हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फुटबॉल मेडिको। सबसे पहले तो अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरी इंडियन देयर एनीवेयर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू। एंड 26 जनवरी, ये डेट इज़ वेरी आइकॉनिक राइट फॉर चेल्सी। इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक डेट्स इन हिस्ट्री एज वेल। लास्ट ईयर सेम टाइम पे वी गॉट थॉमस टूकल टू चेल्सी। हमने फ्रैंक लैम्पार्ड को सेक करा, आर वेरी ओन फ्रैंक लैम्पार्ड, हु केम इन एज अ मैनेजर। एक फेरी टेल स्टोरी सोची थी हमने कि हम फ्रैंक लैम्पार्ड की स्टार्ट के साथ बनाएंगे, बट थिंग्स डिड नॉट गो वेल। वो एक जो फेज था चेल्सी का लास्ट ईयर जनवरी में, इट वॉज अ वेरी रफ फेज। फ्रैंक लैम्पार्ड की साइनिंग एंड एवरीबडी गॉट वेरी इमोशनल एज अ चेल्सी फैन, क्योंकि थिंग्स वर नॉट फॉलोइंग मतलब जैसे होनी चाहिए थी, एंड थिंग्स वर नॉट गोइंग वेरी गुड टाइम पे। बट वी हैड सो मैनी थिंग्स जो एक साथ हुई एंड वी लैंडेड अपॉन थॉमस टूकल। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू इज जो ये 25-26 जान वाला टाइम है ना, दिस इज़ वेरी इमोशनल फॉर मी फॉर सम पर्सनल रीजन्स। एंड उस लास्ट ईयर भी आई वॉज ऑक्यूपाइड उसी पर्सनल रीजन्स की वजह से उस टाइम पे। एंड आई हर्ड अ न्यूज़, फैब्रिजियो रोमारो को मैंने ट्वीट पढ़ा कि चेल्सी हैव कन्फर्म द साइनिंग ऑफ थॉमस टूकल। पता नहीं, लाइक मैं ना एक ऐसा बंदा था हु वॉज एडवोकेटिंग नॉट टू गेट थॉमस टूकल। मे बी जो उसका वो PSG वाला पास था, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था, एंड आई डिड नॉट वॉन्ट कि मैं थॉमस टूकल चेल्सी आए। बट लाइक आई एम सो हैप्पी टू बी प्रूवन रॉन्ग इस टाइम पे। एंड स्टार्टिंग लाइक उस दिन जब पहली बार थॉमस टूकल आया, मैं इसलिए भी खुश नहीं था, एंड मतलब वैसे ही मैं खुश नहीं था। एंड उसके बाद फर्स्ट लाइनअप मैंने वुल्व्स वाली देखी, मैंने न्यूज़ देखी कि हडसन ओडोई स्टार्टिंग एज द राइट विंग बैक। पहली बात, मुझे थ्री एट द बैक पसंद नहीं था बिल्कुल भी, बिकॉज आई थॉट इट वॉज वेरी डिफेंसिव। उसके बाद उसने बोला हडसन ओडोई एज राइट विंग बैक। लाइक मुझे इतनी हंसी आई उस बात पे, आई वॉज सो सरप्राइज उस बात को लेके कि आई वॉज कि अब चेल्सी का फ्यूचर गया। वी विल बी सैकिंग थॉमस टूकल वेरी सून। ये भी एक अनदर मैनेजर वाली स्टोरी होगी, बट टू बी ऑनेस्ट ये स्टोरी बहुत डिफरेंट रही एंड थिंग्स वर वेरी डिफरेंट। सो ऑन इस चेल्सी एनिवर्सरी टुडे आई थॉट कि लेट्स रिक्रिएट और री थिंक अबाउट हिज बेस्ट मोमेंट्स जो एज चेल्सी में उसके हुए। लेट्स डिस्कस फाइव ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स जो थॉमस टूकल के हुए हैं एट चेल्सी सिंस हिज अराइवल एट चेल्सी। सो लेट्स स्टार्ट। ये कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं बोलूंगा, बट डेफिनेटली द फाइव बेस्ट मोमेंट्स अकॉर्डिंग टू मी। आपके डिफरेंट मोमेंट्स होंगे, प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो अगर कोई मैं बड़ा मोमेंट मिस कर दिया या फिर आपको वो ज़्यादा बेटर लगा मोमेंट, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। सबसे पहले स्टार्टिंग लाइक चैम्पियंस लीग सेमीफाइनल वर्सेस रियल मैड्रिड। सी, चैम्पियंस लीग की होप्स लाइक जब थॉमस टूकल आया था वो तो डिस्कशन में भी नहीं थी कि हम चैम्पियंस लीग जीतेंगे। हम तो बस एम कर रहे थे कि वी गो इन टू अ टॉप फोर का स्लॉट। हम सेवेंथ या एट्थ थे जब फ्रैंक लैम्पर्ट सैक हुआ, एंड जब थॉमस टूकल आया वी वर जस्ट होपिंग कि हम टॉप फोर आ जाएँ, कि एटलीस्ट वी कैन बी कंसिडर्ड एज अ गुड क्लब, या फिर मतलब हमारा सीजन शुड भी कंसिडर्ड एज गुड, कि हम एक रेलिवेंसी बना लें उस सीजन की। बट एंड लाइक हमारा क्वार्टर फाइनल्स का ड्रॉ हमें इतना ईजी मिल गया पोर्टो कि नो वन वॉज थिंकिंग और सेइंग कि चेल्सी आर इवन इन कंटेंशन फॉर चैम्पियंस लीग। एवरी वन न्यू कि क्या चल रहा था। हमने एथलेटिको को हराया, बट नो वन वॉज एज कन्विंस्ड उस टाइम पे टू पुट अ फेवरेट स्टार टू अस, या फिर अस इवन सम बिट ऑफ चांस कि हम चैंपियंस लीग जीत सकते हैं। बट देन केम द टाई फॉर चैंपियंस लीग सेमीफाइनल्स अगेंस्ट रियल मैड्रिड। वेल ड्रिल्ड रियल मैड्रिड, द मोस्ट डेकोरेटेड टीम इन वर्ल्ड फुटबॉल व्हेन इट कम्स टू चैंपियंस लीग, एंड दे वर गोइंग फॉर देयर अनदर टाइटल। वो एक और टाइटल के रेस में थे। इट वॉज ऑल्सो द कम बैक ऑफ ईडन हैजार्ड टू चेल्सी। वही लाइक प्लेयर हमारा जो हमें छोड़ के गया था फॉर हिज ड्रीम क्लब रियल मैड्रिड, एंड हैड होप्स कि वो चैम्पियंस लीग जीतेगा। बट टूकल ने उस जो हमारा फर्स्ट लेग था इट वॉज अ 1-1 ड्रॉ, उसमें भी हमने बड़े बड़े चांसेस छोड़े। लाइक टीमो वर्नर वॉज बींग द प्राइम टीमो वर्नर उस मैच में, बट स्टिल वी मैनेज टू गेट अ ड्रॉ फ्रॉम दैट गेम। अ गुड गोल बाय पुलिसिक एंड इक्वलाइजर बाय बेंजेमा। एंड सेकेंड लेग में कुछ भी हो सकता था, लाइक नो बडी न्यू कि उस मैच में क्या हो सकता है एंड वट विल बी द फेट। टू बी ऑनेस्ट आई विल से नो वन इवन फैंसीड अस टू विन दैट मैच, बट केम द गेम एंड
वी डिलीवर्ड, लाइक टुकल्स बेस्ट थिंग इज ही डिलीवर्स इन बिग मैचेस, एंड वो बड़े मैच में ही डिलीवर्ड. इट वॉज अ मोमेंट जो 9 साल बाद चेल्सी के करियर में आ रहा था, अ चैंपियंस लीग सेमीफाइनल, अ सो बिग ऑफ अ गेम, एंड वी एक्चुअली मैनेज टू किल इट. टू बी ऑनेस्ट, जब तक वो माउंट का गोल नहीं हुआ था, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था वी वर इन द चैंपियंस लीग फाइनल. लेकिन वो एकदम से जब हिट हुआ ना कि ओ शिट वी आर एक्चुअली इन द चैंपियंस लीग फाइनल, द फीलिंग वॉज डिफरेंट. इट माइट बी फॉर एवरी चेल्सी फैन जो हमने वो देखा, इट वुड बी अ वेरी वेरी गुड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, एंड एक्चुअली वी वर लिविंग आर ड्रीम अगेन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गेम, 10 मैन हाफ अगेंस्ट लिवरपूल. लाइक फर्स्ट, इस जब हमने चैंपियंस लीग जीता लास्ट सीजन, उसके बाद वी वर इन कंटेंशन की वी विल बी वन ऑफ द बेस्ट टीम्स चैलेंजिंग फॉर बोथ चैंपियंस लीग एंड प्रीमियर लीग. बट स्टिल पीपल डाउटेड अस कि चेल्सी का फॉल आएगा, एंड नो वन वॉज एज गिविंग अस द फेवरेट टैग एज जो सिटी को मिल रहा था. बट देन केम द लिवरपूल गेम. अभी भी आप किसी भी बंदे से हु फॉलोज फुटबॉल, हु फॉलोज द प्रीमियर लीग, आस्क दैट पर्सन विच इज द बेस्ट मैच और द विच इज द बेस्ट परफॉर्मेंस बाय अ टीम इन द प्रीमियर लीग दिस सीजन. लाइक मुझे नहीं पता, अगर वो चेल्सी का नाम ना ले तो चेल्सीज परफॉर्मेंस अगेंस्ट लिवरपूल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी वर लीडिंग बाय काई हैवर्ट्ज का गोल, द मैन हु स्कोर्स ऑन बिग मोमेंट्स, जो और डिस्कस हम कर सकते हैं वीडियो में. एंड देन केम एन 45th मिनट, लाइक फर्स्ट हाफ का एंडिंग मिनट्स, डाइंग मिनट्स थे, व्हेन एक हैंडबॉल इंसिडेंट हुआ गोल पे रीस जेम्स का, एंड इंग्लिश रेफरीज बीइंग इंग्लिश रेफरीज, उन्होंने नॉट जस्ट दे डिड नॉट जस्ट गिव द पेनल्टी फॉर एन अनइंटेंशनल हैंड, बट दे ऑल्सो गेव रीस जेम्स अ रेड कार्ड. सो वी वर लेफ्ट टू 10 मैन. एवरी वन वॉज प्रिडिक्टिंग कि अब ये गेम गया चेल्सी के हाथ से. साला स्कोर दैट पेनल्टी, एंड देन केम द सेकेंड हाफ. मुझे नहीं पता टुकल ने क्या बोला उस सेकेंड हाफ में. उन 10 लोगों ने पिच पे आके दिखा दिया वाई वी आर द चैम्पियंस ऑफ यूरोप, वाई चेल्सी डिजर्व्स ऑल द रिस्पेक्ट इन द वर्ल्ड. वो 10 मैन परफॉर्मेंस मे बी मेरे हिसाब से कैन नॉट बी मैच्ड बाई एनी परफॉर्मेंस चाहे चेल्सी ने जो अभी तक दी है अंडर टुकल, और मे बी इवन हम देंगे, बिकॉज दैट वॉज सच अ ब्यूटिफुल गेम. ये भी नहीं कि अगर आप स्कोर लाइन देखोगे तो वन में थिंक कि चेल्सी ने सेट बैक कर लिया होगा, चेल्सी माइट नॉट हैव गॉन एंड स्कोर्ड. बट टू बी ऑनेस्ट, लिवरपूल से ज्यादा स्कोरिंग चांस हमारे पास था. वी वर द बेटर टीम इन द सेकेंड हाफ, बोथ डिफेंसिवली एंड ऑफेंसिवली. अ ग्रेट गेम, एंड दैट वॉज द गेम विच एक्चुअली मेड एवरी वन अप्रिशिएट थॉमस टूकल एंड हिज चेल्सी टीम. एंड नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द थर्ड मोमेंट, दैट वॉज द 4-0 अगेंस्ट यूवेंटस. वो कीएजा का गोल इन चैम्पियंस लीग ग्रुप स्टेजेस इस सीजन डिड हर्ट चेल्सी बहुत ज़्यादा. दैट वॉज अ गोल दैट शोड कि मे बी चेल्सी का डाउनफॉल हो जाए, मे बी चेल्सी कैन नॉट रिटेन देयर चैम्पियंस लीग टाइटल. वो चैम्पियंस लीग होप हमें वापस नहीं रखनी चाहिए. बट द सेकेंड लेग अगेंस्ट यूवेंटस, लाइक वन ऑफ द बेस्ट गोल स्कोरिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम चेल्सी. वही चेल्सी जो वर क्रिटिसाइज फॉर बींग टू डिफेंसिव, विनिंग गेम्स बाय जस्ट अ मार्जिन ऑफ अ गोल और टू. वी हिट 4 गोल्स अगेंस्ट एन इटालियन टीम. इटालियन क्लब्स आर नोन फॉर देयर डिफेंसिस, एंड यूवेंटस वन ऑफ द बेस्ट इटालियन क्लब्स देयर, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव साइड्स देयर, हु आर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट आई विल से अगेंस्ट चेल्सी. सम ऑफ देयर प्लेयर्स कमिंग इन प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड वर बींग वेरी ओवर कॉन्फिडेंट अगेंस्ट चेल्सी. द सेम टीम वी हिट 4 गोल्स. Trevor Chalobah started the goal scoring spree. Trevor Chalobah coming from the academy, a youth prospect scoring his first ever Champions League goal. Then it was followed by two like very good goals, very very good goal and man of the match performance from Reece James. Reece James announced to the world that why he is one of the best right backs in the world and what not. Even Werner scored in that game to sum up the things. And complete Chelsea performance, complete attacking performance. An answer to everyone who said ki Chelsea cannot perform or cannot score many goals. So complete attacking performance. Next, I'll move on to the UEFA Super Cup. Last 3 bari reaching this UEFA Super Cup, we bottled it. Hum 3 bari wo haare hain. Recently, it was against Liverpool jab hum Europa League jeete the. We lost on penalties, but this time we all wanted this
वेरी वेरी मच। एंड हम सुपर कप तो जीते बट वी वॉन्ट वन अगेंस्ट अ विलेरियल साइड हुआ परफॉर्मिंग वेरी वेल। उन्होंने यूनाइटेड को अपने यूरोपा लीग फाइनल में हराया। एंड नॉट जस्ट दिस, वी स्टार्टेड चालबा, वी स्टार्टेड जूमा हु इज नॉट इवन एट द क्लब राइट नाउ, चालबा वेरी यंग चालबा हु एक्चुअली गेव अ मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस। वी स्टार्टेड मार्कोस अलोंसो एंड हडसन ओडोई एज द राइट विंग बैक। लाइक ये हमारी डिफेंसिव लाइन थी इफ यू गो विद अलोंग साइड रूडिगर, बट दिस वॉज द डिफेंसिव लाइन। एंड इस लाइन के साथ भी वी वॉन द सुपर कप। द गेम वेंट ऑन टू पेनल्टीज, केपा डिड अ केपा लाइक थिंग एंड वॉन अस इन द पेनल्टीज। लाइक केपा एंड पेनल्टीज गो वेरी सिनोनिमस अब तो। एंड वी वॉन द दिस कॉम्पिटिशन आफ्टर सो लॉन्ग। लाइक हम 1998 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक जीते थे, एंड आई डोंट नो इफ यू कैन एक्चुअली काउंट इट एज अ यूएफए सुपर कप और नॉट, बट अ ग्रेट परफॉर्मेंस आई विल से चेल्सी की एंड एडिंग वन मोर टाइटल टू द विक्ट्री। नाउ मूविंग ऑन टू द बिग ओकेजन, आप सब भी वेट कर रहे होगा इसका, इस मोमेंट का वीडियो में, चैंपियंस लीग फाइनल 29th of May। रात या इंडिया में तो तुम कह रहे हो 30th May होगी उस टाइम पे जब ये मैच स्टार्ट हुआ। हम अगेन फेवरेट नहीं थे इसके टू गो, बट चैंपियंस लीग फाइनल इज चैंपियंस लीग फाइनल। मैंने रिसेंटली पढ़ा एथलेटिक में कि थॉमस टुकल डिड मेक अ स्लाइट चेंज इन हिज टैक्टिक्स जब उसको पता चला बस में कि रॉड्री नहीं खेल रहा। तुम चैंपियंस लीग फाइनल से पहले जस्ट बस में बैठे हो एंड यू मेक चेंजेस टू योर टैक्टिक्स सीइंग द ऑपोजिट लाइनअप, दिस डिफाइंस योर लीडर मेंटालिटी, दिस डिफाइंस कि तुम कितने अडेप्टेबल हो टू चेंजेस। वी वेंट इन टू द गेम, कांटे मास्टर क्लास, रादर एवरी वंस मास्टर क्लास, नो वन डिड पुट अ फुट रॉन्ग उस मैच में। आइकॉनिक आइकॉनिक काय हैवर्ट्ज़ का गोल, एंड यस चेल्सी वाज़ द चैंपियंस ऑफ यूरोप, एंड नॉट जस्ट बाय अ मार्जिन आई विल से। चेल्सी का जो कॉन्फिडेंस था एज लुकाकू ने भी बताया था व्हेन दे वर वॉकिंग ऑन द पिच, दैट वॉज लाइक मैजिकल। उस कॉन्फिडेंस, प्लेयर्स इतने यंग थे, इतने यंग स्क्वाड के साथ अलॉन्ग विद एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स, मिक्स ऑफ बोथ आई विल से, हमने वो चैंपियंस लीग जीता। वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स इन चेल्सीज हिस्ट्री, एंड ऑब्वियसली इट वॉज थॉमस टुकल हु डिसाइडेड कि हम हु मेड अस विन दैट चैंपियंस लीग का फाइनल। इट वॉज हिज सेकेंड चैंपियंस लीग कॉन्जिक्यूटिवली, लास्ट टाइम वो हार गया था फाइनल विद PSG, बट विद चेल्सी ही एंड ऑब्वियसली थियागो सिल्वा मेड इट पॉसिबल एंड चेल्सी आर द चैंपियंस ऑफ यूरोप। ग्रेट, लाइक एक साल हो गया है थॉमस टुकल को एंड थिंग्स आर वेरी मच स्टेबल विद थॉमस टुकल। वी आर हियरिंग कैट बोर्ड इज बैकिंग थॉमस टुकल, बोर्ड इज वेरी मच हैप्पी विद थॉमस टुकल, दे वॉन्ट कि थॉमस टुकल शुड स्टे एंड दे आर बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट विद थॉमस टुकल। लाइक चेल्सी का बोर्ड आपने कब लास्ट टाइम सुना होगा, आई डोंट नो, कि दे वॉन्ट टू बिल्ड अलॉन्ग साइड अ मैनेजर, दे वॉन्ट टू गिव हिम टाइम, दे वॉन्ट टू बिल्ड अ लेगेसी विद अ मैनेजर। थॉमस टुकल ने ये करा है, he is getting what Chelsea wants and usko bhi mil raha hai from the board what he wants, a perfect combination. Like as a Chelsea fan hame bhi nahi pata kab kya ho jaye with managers, ye aisi hamari history rahi hai, but ek emotional connection with Thomas Tuchel jo ho chuka hai, it's actually different, things actually hit different hamare sath, things are very magical with him and let's see kya hota hai future mein. टू सम ऑफ द वीडियो, लाइक सम ऑफ द स्टैट्स टुकल के, सिर्फ एक साल में, एक साल इज लाइक 365 days थॉमस टुकल के, सम ऑफ हिज स्टैट्स इंक्लूड की 67 games में वी हैव वॉन 40 games एंड नॉट इवन लॉस्ट 10 games, 9 games में हम हारे हैं आउट ऑफ 67 games। लाइक पूरे एक साल में सिर्फ 9 game में हारना, दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स, लाइक सिर्फ 9 game में हारे हैं। द विनिंग परसेंटेज हेयर इज सो बिग एंड दैट टू वेन वी आर कॉम्पीटिंग इन द प्रीमियर लीग, इन द चैम्पियंस लीग और लीग कप्स, एवरीथिंग, इतने बड़े बड़े मैचेस में वी आर प्लेइंग एंड स्टिल जस्ट 9 losses, स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट आवर मैनेजर। एंड इस साल में लाइक वी हैव स्कोर्ड मोर देन 100 goals एंड कंसीडेड वेरी लेस, लाइक 42 goals कंसीडेड पूरे एक साल में आउट ऑफ इन द 67 matches, नॉट इवन क्लोज टू 1 goal इन अ मैच जो हम कंसीड कर रहे हैं। Shows what Tuchel has built at Chelsea and why Chelsea fans can boast of in the society, I'll say, can be very happy about what is going on in the footballing world. A great manager, a great team he is building, and I congratulate Thomas Tuchel for
हिज सक्सेस दैट ही इज एंजॉइंग, एंड आई जस्ट होप कि हम इसके ऊपर बिल्ड करते रहें. नेक्स्ट ईयर जब हम 26 जन को मिले तो आई हैव मच मोर टू स्पीक अबाउट हिम एंड वी कैन लिव ऑल द मोमेंट्स वेरी हैप्पीली अंडर थॉमस टुकल. सो दिस वॉज द वीडियो फ्रॉम मी गाइज, लाइक वेरी इंजॉइंग वीडियो आई से, अ वेरी इंजॉयबल, अ वेरी इमोशनल वीडियो एज अ चेल्सी फैन, क्योंकि लास्ट ईयर इज अ वो रोलर कोस्टर ही रहा है, लाइक फ्रॉम फ्रैंक लैम्पार्ड टू थॉमस टुकल, जो ट्रांजिशन हो गया, वी विनिंग द चैम्पियंस लीग, परफॉर्मिंग, हमारे लोज भी आए, हमारे हाइज भी आए, सो वेरी रोलर कोस्टर काइंड ऑफ अ जर्नी. आई होप यू लाइक द वीडियो यहाँ तक, एंड प्लीज लेट मी नो आपके कौन से बेस्ट मोमेंट्स थे अंडर थॉमस टुकल जो चेल्सी ने लिव करे, और एनी थिंग अराउंड थॉमस टुकल लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन. आपका एक सब्सक्रिप्शन एक्चुअली हेल्प्स मी, योर वन कॉमेंट एक्चुअली मोटिवेट्स मी एवरी डे, योर लाइक विल एक्चुअली मोटिवेट मी टू मेक सच मोर वीडियोज. सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, एंड वो बेल आइकन भी दबाओ टू लेट मी नो कि, और लेट योर सेल्फ नो कि मैंने एक वीडियो डाली है, गेट द फर्स्ट एक्सेस टू माई वीडियो. सो दिस वॉज इट फ्रॉम मी गाइज. Do not forget to share the video as well. Thank you.